हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएस टेक्निक, मेक योर माइंड शार्प। और आप सभी का स्वागत है आज की नई क्लास में, एचटीएमएल की क्लास में। कल तक अपन क्या पढ़ चुके थे? कल तक अपन लोगों ने पढ़ा था कि इमेज को कैसे एक एचटीएमएल के पेज में इंसर्ट करें, ठीक है? ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है? तो इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, देखो वो हमने आपको बता दिया था। आज अपन को पढ़ने थे इमेज के एट्रीब्यूट। क्या पढ़ने थे? इमेज के इमेज एट्रीब्यूट्स हमें पढ़ने थे, ठीक है? चलिए भाई, तो पढ़ते हैं इमेज एट्रीब्यूट क्या होते हैं और कैसे इनका काम किया जाता है, ठीक है? तो इमेज के जो एट्रीब्यूट है उनमें क्या क्या होता है, सबसे पहला जो है वो है एच स्पेस और दूसरा है आपका वी स्केप स्पेस। ठीक, क्या है? एच स्पेस और वी स्पेस। तो देखो भाई, एच स्पेस और वी स्पेस का काम क्या होता है? एच मतलब क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल। और स्पेस मतलब, स्पेस मतलब क्या है कि अगर हमें अपने इमेज को हॉरिजॉन्टली क्या देना है, कुछ स्पेस देना है। जैसे सपोज दैट ये हमारा वेब पेज है, अभी हमारी इमेज यहां शो हो रही है, ठीक। हमें क्या करना है, इसको हल्का सा खिसका के इधर लाना है कि हमारी इमेज यहां शो हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एच स्पेस की वैल्यू सेट कर देंगे तो वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली में स्पेस दे देगा और हॉरिजॉन्टली खिसक जाएगा, ठीक है। अगर हमें वी स्केप मतलब, जैसे सपोज दैट अभी हमारी इमेज ये है, यहां शो हो रही है, ठीक, एच के स्पेस दिया तो ये इतना खिसक गई, यहां शो हो रही है। हमें ऊपर से भी खिसकाना है तो ये यहां शो हो जाए, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें वी स्पेस दे देंगे, ठीक। तो वी स्पेस में ऊपर या नीचे, वर्टिकली है ना, वर्टिकली स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, वी स्पेस का यूज करते हैं। और हॉरिजॉन्टली स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, एच स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो एच स्पेस हो गया और वी स्पेस हो गया। इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक, इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्या, आई एम जी इमेज, ठीक, एच एस पी ए एस ई स्पेस इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे, जो भी आपको वैल्यू देनी हो, जितना आपको शिफ्ट करना हो उतना, ठीक। उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे वी एस पी ए एस ई वी स्पेस इक्वल, यहां पे दे देंगे हम वैल्यू और ऐसे कर देंगे अपन क्लोज, ठीक। ठीक है, तो एच स्पेस दे दिया, वी स्पेस दे दिया, वैल्यू दी, प्रोग्राम खत्म। क्लियर कि नहीं आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन एच स्पेस में यहां वैल्यू देंगे, वी स्पेस में यहां वैल्यू देंगे, इमेज लगाएंगे और आपका प्रोग्राम यहां पे क्या हो जाएगा, आपका मतलब आपका जो ये सिंटेक्स है, ठीक। एच स्पेस में हम जितनी वैल्यू देंगे उतना ये क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। वी स्पेस में जितना वैल्यू देंगे वर्टिकली उतना शिफ्ट हो जाएगी। भाई ये वैल्यू क्या होगी, ठीक, तो ये जो वैल्यू हम देंगे ये वैल्यू होती है हमारी पिक्सल में, किसमें होती है, पिक्सल में, ठीक है। कितने पिक्सल आपको खिसकाना है, कितने पिक्सल आपको वर्टिकली खिसकाना है, ठीक। तो जो भी वैल्यू दोगे वो आप किसमें दोगे, पिक्सल में दोगे। सपोज दैट कि हमने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे हमने आपसे कहा कि इमेज एस एस पी ए एस ई इमेज स्पेस इज इक्वल टू, यहां पे हमने वैल्यू दे दी 250, ठीक। और वी एस पी ए एस ई वी स्पेस इक्वल टू वैल्यू दे दी 125, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हॉरिजॉन्टली ये क्या करेगा, 250 शिफ्ट हो जाएगा और वर्टिकली ये क्या होगा, 150 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टली ये क्या होगा, 250 शिफ्ट होगा और वर्टिकली ये 125 शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक। तो ये हुआ आपका क्या, कौन सा एट्रीब्यूट, इमेज एट्रीब्यूट में पहला एट्रीब्यूट आपका हुआ कौन सा, एच स्पेस एट्रीब्यूट और वी स्पेस एट्रीब्यूट, ठीक है। दूसरा इसका जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है आपका, अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है इसका,
दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है इसका अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट। तो ये अलाइन एट्रीब्यूट देखो क्या होता है, अलाइनमेंट तो आप सभी लोग समझते होंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट राइट, ठीक है, सेंटर, ये सब चीजें, ठीक। तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज क्या किया जाता है, इमेज को लेफ्ट, इमेज को राइट, इमेज को सेंटर में अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इसका सिंटैक्स देख लो जल्दी से क्या होता है, ठीक। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है इमेज टैग के अंदर, क्योंकि चूंकि हम सारे ये क्या पढ़ रहे हैं, इमेज के एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं, तो इमेज टैग के अंदर ही पढ़ेंगे इसको, इमेज टैग। और इमेज टैग के बाद हमने लिखा यहाँ पे क्या, अलाइन, ALIGN, अलाइन, ठीक। तो अलाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू, ठीक, अलाइन इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अब भैया अलाइन इक्वल टू वैल्यू जो है उसमें क्या होगा आपका, जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो तीन होगी, ठीक है, तीन नहीं पांच होंगी। इसकी जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी होंगी, देखो सबसे पहला होगा इसका लेफ्ट, दूसरी होगी इसमें राइट, तीसरी होगी इसमें टॉप, चौथी होगी इसमें मिडिल, और पांचवी होगी इसमें बेसलाइन, ठीक, ये पांच बेसलाइन, ठीक है। तो ये टोटल पांच इसके क्या हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। इमेज जो है, इमेज में अलाइन इक्वल टू लेफ्ट लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अलाइन में हमने राइट लिखा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। अलाइन में हमने टॉप लिखा तो हमारी वैल्यू बिल्कुल पेज के ऊपर पहुंच जाएगी। अलाइन में हमने मिडिल लिखा तो हमारी बिल्कुल पेज के सेंटर पे आएगी वो इमेज, और अलाइन में हमने बेसलाइन लिखा तो बिल्कुल नीचे चली जाएगी बेस पेज के, क्लियर की नहीं, ठीक। तो ये इसकी पांच वैल्यूज होती हैं, सिंटैक्स आपका ये होता है, इनमें से आप जो भी वैल्यू दोगे वैसे आपकी इमेज क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, बात क्लियर होगी मेरी, ठीक है। तो ये इसके एट्रीब्यूट हो गए किसके, अलाइन के। तो अपन ने इमेज एट्रीब्यूट में, इमेज के एट्रीब्यूट में दो एट्रीब्यूट पढ़े, एक एच स्केप दूसरा वी स्केप, ठीक है। और ठीक, और अलाइन में अपन ने पढ़ा कि इसकी पांच वैल्यू होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप मिडिल और बेसलाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एट्रीब्यूट क्या है आपका, ALT एट्रीब्यूट, ठीक है। अगला क्या है आपका, ALT एट्रीब्यूट। व्हाट इज ALT एट्रीब्यूट, देखो क्या होगा, कई बार आपने अपनी इमेज बनाई है ना, कई बार आपने क्या किया, इमेज बनाया है ना, इमेज लगाई पेज पे, और किसी प्रॉब्लम की वजह से नेट नहीं आ रहा, या सपोज दैट कि वो इमेज की उसको पाथ नहीं मिल रहा, किसी भी प्रॉब्लम से वो इमेज नहीं हुई लोड, ठीक है, इमेज क्या नहीं हुई, लोड नहीं हुई। तो भाई इमेज लोड नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, ऐसे इमेज का साइन बना होगा, ठीक है, और ये ऐसे क्रैक दिखाता है कि नहीं दिखाता है, है ना, दिखाता है। जब आपका इमेज लोड नहीं होता, ठीक, ये देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो आप, तो आपको दिख रहा है कि ये जो इमेज आपकी है ये क्या नहीं हुई, लोड नहीं हुई, तो इमेज बीच से हो गई, इस टाइप से, इस टाइप का साइन एक आ जाता है, ठीक। तो जब आपकी इमेज लोड नहीं होगी, है ना, जब इमेज लोड नहीं होगी उस टाइम पे, इमेज अगर लोड नहीं होगी तो ये साइन आएगा। हम चाहते हैं कि जब हमारी इमेज लोड ना हो तो उस टाइम पे ये साइन ना आके एक चीज आ जाए, क्या आ जाए, कि जो आपका ये साइन आ रहा है इस साइन की जगह पे क्या चीज आ जाए, ये आ जाए कि इमेज लोड नहीं हुई है और किस वजह से नहीं हुई है, या एक टेक्स्ट लिख के आ जाए, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, क्या है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ALT का मतलब क्या है, AL मतलब ऑल्टरनेट, T मतलब
टेक्स्ट। तो अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है, जब हमारी इमेज लोड ना हो, तो इमेज लोड जब नहीं हुई है तो उसके बदले में यूजर को या जो आपका वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उस विजिटर को क्या हो जाए, एक अल्टरनेट टेक्स्ट प्रदर्शित हो कि आपकी इमेज लोड नहीं हुई है इस वजह से या कुछ भी, ठीक है। तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, एएलटी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। क्लियर बात की नहीं, ठीक है। तो एएलटी का यूज आ गया समझ में। इसमें करते क्या है देखो, इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, ऐसे लिखना है सिंटैक्स देखो इसका, ठीक। इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स इसका बिल्कुल सिंपल सा है। क्या हुआ आपका, जैसे हमने आपसे कहा इमेज, आईएमजी इमेज, इमेज में अपन ने एसआरसी में क्या दिया, इमेज का यूआरएल दिया, क्या दिया, इमेज यूआरएल दिया, ठीक है। इमेज एसआरसी इक्वल टू इमेज यूआरएल दिया, और इमेज यूआरएल देने के बाद यहां पे हमने लिख दिया एएलटी इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में यहां पे हम क्या लिख देंगे, अपना टेक्स्ट लिख देंगे, जो भी हमें टेक्स्ट उसको देना है, ठीक। तो इमेज सोर्स में हम जो भी इमेज देंगे वो इमेज का यूआरएल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इमेज यूआरएल नहीं रहेगा तो इमेज कहां से आएगी, ठीक है। तो सपोज दैट कई बार नहीं, इमेज एसआरसी इक्वल टू यहां पे क्या देंगे, इमेज का यूआरएल देंगे, ठीक है। इमेज यूआरएल देने के बाद इमेज का एड्रेस आएगा, अगर ये एड्रेस सपोज दैट फाइंड नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, अल्टरनेट में हम एक टेक्स्ट लिख देंगे कि अगर ये ना मिले तो एक टेक्स्ट इंसान को क्या हो जाए, विजिटर को हमारे प्रदर्शित हो जाए, ठीक है। क्लियर बात की नहीं, ठीक। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल देख लिया अपन ने, हमने बोला इमेज, ठीक, और एसआरसी इक्वल टू हमने यहां लिखा सी स्लैश यूजर स्लैश इमेज स्लैश राहुल डॉट जे पी ई जी, ठीक। ये इमेज लगा दिया अपन ने, इमेज लगा दी, ठीक। अब इमेज लगाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा कि ए एल टी इज इक्वल टू इमेज नॉट फाउंड, ठीक। अब क्या होगा, हमने इसको किया क्या, एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो इमेज सोर्स, सोर्स में ये जो हमने एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे अगर आपको जो इमेज हमने लिखी है वो इमेज मिल गई तो वो प्रदर्शित हो जाएगी, और इमेज अगर हमें नहीं मिली, बाय चांस इमेज हमें नहीं मिली, तो क्या प्रदर्शित होगा, इमेज नॉट फाउंड, बस मिल जाएगी, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि इमेज भी आ जाए और ये भी आ जाए, नहीं। एएलटी का मतलब क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। मतलब जब आपको इमेज प्रदर्शित नहीं होगी तभी आपका ये लिख के आएगा, अगर इमेज होगी प्रदर्शित तो ये लिख के नहीं आएगा, बात की है। ये आपका क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी कितने अलाइनमेंट पढ़े अपन, इमेज के, इमेज के एचएस के पढ़ा, अलाइन पढ़ा, अल्टर एट्रीब्यूट पढ़ा, ठीक है, तीन पढ़ लिए अपन ने। इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक। चौथा, चौथा है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट, कौन सा, बॉर्डर, बी ओ आर डी ई आर, नाम से ही समझ में आ गया होगा बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक। नहीं आया, बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर हमें अपनी इमेज के चारों तरफ क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, सिंटेक्स देख लो इसका जल्दी से, ठीक। सिंटेक्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई एम जी इमेज, फिर एस आर सी इक्वल टू यहाँ पे हम क्या देंगे, इमेज का यू आर एल, ठीक। इमेज सोर्स इक्वल टू इमेज यू आर एल कॉमा, अब क्या देंगे यहाँ पे, ठीक, कॉमा नहीं लगाएंगे सॉरी, ठीक, इमेज यू आर एल, और यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, बी ओ आर डी ई आर, ठीक है, बॉर्डर, और बॉर्डर में क्या देंगे, बॉर्डर की हम वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब वैल्यू कैसी होगी आपकी, बॉर्डर अगर लिख दिया सीधा सा, विड्थ होती है इसमें, क्या होता है, बॉर्डर का विड्थ होता है ना, बॉर्डर इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में विड्थ, ठीक, ये रहा।
तो इसमें क्या होगा आपका, देखो जो भी आप इमेज यहाँ डालोगे, ठीक, ये आपने इमेज डाली यहाँ पे, ठीक, और इस इमेज की यहाँ पे हमने बिट्स लिखी है, ठीक। अगर हमने यहाँ लिख दिया ऐसे, सपोज दैट की बी ओ आर डी ई आर बॉर्डर इज इक्वल टू 20, ठीक, बॉर्डर इक्वल टू 20, ये किस में होगी बिट्स, बिट्स आपकी पिक्सल में होगी, किस में होगी बिट्स, पिक्सल में होती है, ठीक। अब लिख दिया हमने 20, तो इस इमेज के चारों तरफ 20 पिक्सल का क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट, बस। तो इतने एट्रीब्यूट किसके होते हैं, आपके इमेज के एट्रीब्यूट होते हैं। तो इमेज का टोटल चार एट्रीब्यूट हैं जो कि हमने आपको बताए। सबसे पहला होता है आपका एच स्पेस वी स्केप, हॉरिजॉन्टल स्पेस देने के लिए और वर्टिकल स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट का यूज इमेज को अलाइन करने के लिए, लेफ्ट में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, टॉप में करना है, मिडिल बीच में करना है कि बेस लाइन में करना है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज होती हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट इमेज हमारी जो भी है, इमेज अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से फाउंड नहीं होती है, किसी वजह से लोड नहीं होती है, ठीक, तो उसके ऑल्टरनेट में हम एक टेक्स्ट प्रदर्शित कर देते हैं, उसके लिए हम ELT एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके बाद बॉर्डर, इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सिंटैक्स, इमेज में बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे, उसकी विड्थ लिख देंगे। विड्थ जो होती है वो किस में होती है, पिक्सल में होती है। जितने पिक्सल का आप बॉर्डर लगाना चाहो उतने पिक्सल की वैल्यू दे दो, चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, खत्म, ठीक। तो ये हुआ आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कि बॉर्डर क्या होता है, ठीक है, सॉरी, इमेज कैसे हम एक HTML डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, जो कि अपन ने कल सीख लिया था, ठीक है। इसके बाद अपन पिछली क्लास में अपन सीख चुके थे कि इमेज एट्रीब्यूट, जो इमेज होती है उसको हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में कैसे लगाते हैं, ठीक। इसके बाद अपन ने क्या सीखा कि इमेज के कितने एट्रीब्यूट होते हैं, क्या इमेज के कितने एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। तो वो एट्रीब्यूट में अपन ने सीखा कि इमेज के 4 एट्रीब्यूट होते हैं, एच स्पेस, वी स्पेस, अलाइन और ELT और लास्ट बॉर्डर, ठीक है। एच स्पेस बी स्पेस हॉरिजॉन्टली स्पेस देने के लिए, वर्टिकली स्पेस देने के लिए हम एच स्पेस बी स्पेस का यूज करते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट का यूज हम अलाइनमेंट के लिए करते हैं। ELT एट्रीब्यूट का यूज हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए करते हैं और बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज हम बॉर्डर को लगाने के लिए करते हैं। सिंपल सी बात, लिखोगे सबका सिंटेक्स, लिखोगे एक एक एग्जाम्पल दो, ठीक है, और प्रोग्राम आपकी 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक पूरा एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हो कि HTML लगाते हैं अपन, फिर क्या करते हैं, हेड लगाते हैं, ठीक, फिर टाइटल लगाते हैं, ठीक, फिर यहां पे टाइटल देते हैं और फिर यहां पे अपन क्या लगा देते हैं, स्लैश टाइटल लगा देते हैं, टाइटल क्लोज, उसके बाद स्लैश हेड लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं, बॉडी टैग के अंदर चाहो तो बॉडी के एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, इफ यू वांट, इफ यू डोंट सो लेट इट गो, ठीक है। अगर चाहते हो तो कर लो, नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे ही जाने दो, ठीक। बॉडी, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी आपको हेडिंग वगैरह लिखनी है वो हेडिंग वगैरह लिख दो, है ना, अगर डालनी है तो, नहीं डालनी तो भगवान भरोसे छोड़ दो, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ अगर आप चाहो तो पैराग्राफ लिख दो पूरा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा कि अपना इमेज लगाया, ठीक, इमेज SRC इक्वल टू, यहाँ पे अपन इमेज का URL दे देंगे, जो भी आपके पास URL हो वो यहाँ पे लिख दो, ठीक। इमेज URL देने के बाद अपन ने एच स्पेस यूज किया, ठीक, और एच स्पेस में अपन ने लिख दिया कि हम हॉरिजॉन्टली 100 पिक्सल शिफ्ट करना चाहते हैं और वर्टिकली स्पेस में अपन ने दे दिया कि वर्टिकली स्पेस जो है वो हम कितना शिफ्ट करना चाहते हैं, हमने कहा 150 पिक्सल सेट करना चाहते हैं, और ELT एट्रीब्यूट में हम लिखना चाहते हैं कि इमेज नॉट फाउंड, अगर इमेज किसी भी वजह से लोड नहीं होती है तो उसमें अपन लिख देंगे इमेज नॉट फाउंड या इमेज नॉट लोडेड, कुछ भी, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है, इमेज नॉट फाउंड लिख दिया। ELT में एच स्पेस वी स्केप ऑल्टरनेट हो गया, और हमें बॉर्डर भी लगाना है अपनी इमेज में, तो बॉर्डर इक्वल टू लिख दिया 15 पिक्सल क्या बॉर्डर लगाना है, इसको अपन ने कर दिया क्लोज। इमेज जो होता है आपका, ठीक, इमेज एक आपका एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसको ओपन करना पड़ता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
ठीक है। तो ये इमेज लगा दिया अपन ने, इमेज लगाने के बाद और भी अगर आपको कुछ लगाना है, जैसे हमने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है फॉर मोर क्वेरी के लिए, ये लगा दी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने बॉडी ओपन किया था उस बॉडी को अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो HTML ओपन किया था तो HTML को भी अपन क्लोज कर देंगे। ये आपका प्रोग्राम बन गया, खत्म, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को इमेज एट्रीब्यूट के प्रोग्राम समझ में आए होंगे कि इमेज को कैसे HTML डॉक्यूमेंट में लगाते हैं और कैसे हम अपना इमेज एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि एक जो इमेज होती, एक इमेज है ये लगाना सीख लिया, अब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कैसे हाइपरलिंक करते हैं, ठीक है। क्या करना सीखेंगे, एक वेब पेज को अपन दूसरे वेब पेज से कैसे हाइपरलिंक करेंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अपन ने क्या ओपन किया, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन की, सपोज करो ठीक, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन की, ये ओपन किया ठीक, ये आ गया अपना वेब पेज ठीक। अब इस वेब पेज में हम कुछ भी ओपन करें, जैसे सपोज दैट ये लिंक डाला हुआ है, या इस वेब पेज पे ये क्या डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है। इस लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये अगले वेब पेज पे हमको पहुंचा देगा, बताओ पहुंचा देगा कि नहीं पहुंचा देगा, है ना। जैसे ही हमने इसको किया तो देखो इसने हमें क्या कर दिया, अगले वेब पेज पे पहुंचा दिया, यस और नो। अब ये लिंक डली हुई है इसमें ठीक, ये लिंक डली हुई है, इनमें से अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अगले वेब पेज पे पहुंचा देगा, पहुंचा देगा, देखो भी ये पहुंचा दिया इसने। तो ये लिंक हम अपने प्रोग्राम में कैसे, हम अपने वेब पेज में ये लिंक कैसे एक्टिव करते हैं, ये लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं ठीक, ये लिंक इंसर्ट करना सीखेंगे अपन किसमें, अगली क्लास में, ठीक है। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।